गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करेंगे अपनी हेलमेट पे एक्शन कैमरा माउंट। सो मैंने इस हेलमेट के लिए मैंने एक माउंट ऑर्डर किया था अमेजोन से, वो माउंट भी अभी मेरे पास ही है। ये है उसका पैकेट, और इस पैकेट को मैंने पहले फाड़ के देख लिया था प्रोडक्ट को। तो अभी हम इस प्रोडक्ट को, मतलब इस माउंट को मेरे हेलमेट पे माउंट करेंगे। सिर्फ बस को लगाना है। ये ब्लू आर्मोर का चिन माउंट है, ये देखो ब्लू आर्मोर का चिन माउंट। चलो इसको निकालते हैं। और ये है वो चिन माउंट जिसको मैंने ऑर्डर किया था इस हेलमेट के लिए, क्योंकि मुझे इस हेलमेट पे एमसी लगा के हेलमेट को मुझे ख़राब नहीं करना था, इसलिए मैंने ये चिन माउंट को ऑर्डर किया है। और इसमें इस हेलमेट में मैंने पहले चिन माउंट किया था, जो मुझे एक्शन कैमरा से माउंट मिला था उस माउंट को मैंने यहाँ पे लगाया था, और जो एक्शन कैमरा से मिला हुआ माउंट वो इसमें अच्छी तरह से नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे माउंट नहीं किया। माउंट किया था पर 3mm टेप से मैंने उसको माउंट किया था, पर मैंने मेरे गलती की वजह से 3mm टेप अच्छे से नहीं लगा, इसलिए मैंने इसका 3mm टेप फिर से हटा के मैंने दूसरी हेलमेट पे लगा दिया है, जो मेरा और एक हेलमेट है पुराना हेलमेट में। तो मैंने इस पुराने हेलमेट में इसको माउंट कर दिया है एमसील की मदद से, ये देखो, क्योंकि ये हेलमेट सिर्फ डेली कमिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने ये मेरा सेकेंडरी हेलमेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एमसील से लगा दिया है, और यहाँ पे अच्छी तरीके से लग जाता है ये माउंट, इसलिए मैंने इस माउंट को ऑर्डर किया। इस हेलमेट में अच्छी तरह से ये फिट हो जाता है, और वो माउंट यहाँ पे फिट होता है, इसलिए मैंने इस हेलमेट में इसको माउंट कर दिया है। और इसमें जो इसमें मैंने माउंट करके थोड़ा सा फेविक्विक भी लगा दिया था, ये देखो हेलमेट में थोड़ा सा दाग पड़ गया है फेविक्विक लगने की वजह से, आपको कोई देख नहीं पा रहा होगा, मैं कैमरा को पास में ला के दिखा देता हूँ। और एक बात है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर फेविक्विक लगने की वजह से थोड़ा हेलमेट थोड़ा सा खराब हो गया है, मतलब देखो पूरा ये थोड़ा सा खराब दिख रहा है, पर ये मेरे गलती की वजह से हुआ है, पर ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा ही है, कुछ नहीं। अब मैं इसको फिर से यहाँ पे माउंट करूँगा जो मैंने ऑर्डर किया था। ये है वो प्रोडक्ट ब्लू आर्मोर का, इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा, इधर ये ऐसा लगा दूँगा मैं इसको, और आपको इसको अच्छे से सीधा से लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा भी टेढ़ा लगाएगा तो आपका फुटेज टेढ़ा आ जाएगा, इसलिए हम इसको अच्छे से यहाँ पे लगा दूँगा। और यही मेरा फर्स्ट एक्शन कैमरा था, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए यहाँ पर माउंट किया हुआ अच्छे से नहीं हुआ। अब मैं इस हेलमेट में इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। और मुझे इस हेलमेट में एमसील लगा के इसको गंदा नहीं करना था, क्योंकि एमसील से जब हेलमेट माउंट करता है तो तब बहुत गंदा दिखता है हेलमेट को। तो और आपको इस माउंट के पीछे 3mm टेप मिलेगा, और यहाँ पे लिखा है वन टाइम यूज़ ओनली, और यहाँ पर लिखा है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स रिमूव डस्ट फ्रॉम हेलमेट सरफेस बिफोर स्टिकिंग। सो आपको इसको लगाने से पहले आपका हेलमेट को आपको साफ़ कर लेना है, जो डस्ट पार्टिकल है उसको आप अच्छे से साफ़ कर लेना है, फिर इसको लगाना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पे माउंट कर लेता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ, क्योंकि इसको अच्छे से माउंट करने से ही अच्छा होगा। इसको माउंट कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। अगर ये देखो अच्छी तरह से मैंने इसको माउंट कर दिया है, इधर देखो, इधर भी देखो, ये माउंट हो गया है, इसको मैंने पूरा सीधा लगाया है, और इसको पूरा अच्छी तरह से लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो जाएगा तो ये 3mm तक काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए है, इसलिए आपको अच्छी तरह से सीधा लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये पूरा माउंट हो गया, और इसको आज एक दिन के लिए इसको रख देते हैं इसे सूखने के लिए, अच्छे से चिपकने के लिए। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है, वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा आप लोग को कैसा लगा। सो थैंक यू, दिस इज़ डीबी ट्रेवल्स साइनिंग ऑफ।